अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त है और हम दुर्गम चेरू कुतुबशाही मस्जिद के पास है। हमारे साथ यहाँ पे एरिया के कॉरपोरेटर साहब भी है। यहाँ पे हम आपको मस्जिद आबाद करने में काफी तकलीफ हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद आबाद हो गई है। मस्जिद भी है, मस्जिद के साथ दरगाह भी है। ये कुतुबशाही दौर की मस्जिद है। यहाँ पे आने जाने के लिए रास्ता बात करेगी, जेसीपी से रास्ता खोद दे रहे हैं, गड़ा मार दे रहे हैं, पब्लिक आ नहीं सक रही। दूसरी चीज, यहाँ पे नमाज का अगर इंतजाम हम करें तो यहाँ पे मिट्टी के टिब्बे डाल दे रहे हैं, फिर जेसीपी से हमको लेवल कराना पड़ा। आज हम वो तकलीफ यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब को सुनाए और यहाँ के हमारे टीआरएस के कॉर्पोरेटर साहब है जो यहाँ के मुकामी भी है और यहाँ के पुराने रास्ते से वाकिफ भी है, तो ये हम आपको वादा करे कि इंशाल्लाह यहाँ का रास्ता आबाद करा के देंगे और यहाँ के जो भी जरूरी चीजा है वो हम आपको मुहैया करेंगे। आप इनसे बात करिए। मैं भी यहाँ का मुकामी हूँ, मस्जिद बंडा कुंडापुर का सुलक जो है सो मैं कॉर्पोरेटर हूँ, एरिया का मेरा एरिया आता है। मैं भी बचपने से जो है सो आते जाता रहता हूँ दरगाह को, यहाँ पे ये मस्जिद को भी, ये कुतुबशाही की जो है सो दौर की मस्जिद है और ये दरगाह भी है जलालुद्दीन बाबा साहब की। बहुत सारे लोग हर साल जो है सो मैं बचपने से देखता हूँ, यहाँ उर्स होता है, अच्छी तादाद में जो है सो बहुत भारी इंतज़ाम से उर्स का भी इंतज़ाम होता है यहाँ पे। ये जो है सो कब से की हो रहा, आज से कल थे नहीं, जब कुतुबशाही ज़माने से यहाँ पे जो है सो है। ये रास्ता भी था, मैं जब इससे पहले 2 साल पहले एमआरओ को और हमारे कंसल्ट यहाँ के सीआई साहब को भी ला के बताया था, तो उस दिन हम दूसरे जो है सो हमारे महमूद अली साहब की भी नॉलेज में लेके गए थे। यानी रास्ता अपन बराबर जो है तो इसको निकालेंगे, रास्ता बोल के वायदा करें सो है। इंशाल्लाह मैं हमारे डिप्टी सीएम महमूद अली साहब को, हमारे बाबा फसीउद्दीन साहब भी है डिप्टी मेयर, और केटीआर साहब को जो है सो उनके ले आके बराबर जो है सो यहाँ मस्जिद का इंतजाम कराएंगे इंशाल्लाह, और रास्ते का भी इंतजाम कराएंगे पूरे जो है सो काम करा। अभी आप कंसल्ट डिपार्टमेंट में बोल दीजिए, पुलिस में, दूसरे डिपार्टमेंटों में बोल दीजिए, मेरा भरपूर ताउन रहेंगे। बस ये जो काम रुक रहे हैं मस्जिद के, जो बैनर्स वगैरह फाड़ दे रहे हैं, अल्लाह के घर का जो है सो बोले अल्लाह ही निगेबान है, इंशाल्लाह आप सब मिलकर बस यहाँ पे शेड का भी इंतजाम करा दीजिए। बहुत तकलीफ हो रही पानी में नमाज पढ़ने के लिए। डिपार्टमेंट वाले देख रहे हैं, इरीगेशन डिपार्टमेंट वालों से भी मैं अपन सब जाके मिलके उनसे भी गुजारिश कर सुने, उनसे भी जो है सो अपन टाइम लेके या इंतजाम जो है सो मस्जिद का बराबर करेंगे। जो तो 5 वक्त की नमाज जो है सो भी अपन कायम है यहाँ पे चल रही, फिर जो लाइट भी नहीं है यहाँ पे उसको जो तो हाँ, मैं मेरे तरफ से जो है सो मैं जीएचएमसी की तरफ से हमारे लाइट का बंदोबस्त जो जल्द से जल्द करूंगा। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आप एक काम करिए साहब, एक हम्बल रिक्वेस्ट, आपके लेटर पैड पे पुलिस स्टेशन में लेटर दीजिए। आप ये मस्जिद है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं होना, ये बैनर्स वगैरह जो फाड़ दे रहे हैं।